बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग आगाज़ करते हैं, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अभी भी टाइम हो चुका है रात के 10 बजने वाले 5 मिनट रह गए। तो जी अभी जाना है, मम्मा की जूतियाँ नहीं हैं तो मम्मा की सिर्फ रह गई हैं। तो मम्मा को कल भी नहीं पसंद आई थी, कल ढूंढ के मम्मा ने ये घुमाया वो वहाँ इधर उधर। तो सीन कुछ ऐसा बना हुआ है कि गर्मी काफ़ी है और जाना पड़ा है बाज़ार नहीं जाएंगे, इधर ही जाएंगे। कल गए थे बाज़ार, कुछ समझ ही नहीं मम्मा। तो जी एक और बात बताना तो मैं भूल गया, 3 मई को है जी, कल चांद रात है। और 3 मई को मैंने पता चल ही गया था, पहले मैं दुआ भी कर रहा था 3 मई को ही हो, 3 मई मतलब के मंगल को, सोमवार को है, कल नहीं है। शुक्र है निकाला इन्होंने चांद। तो अभी जाना है जी, जैसे कि बताया भी है, जूतियाँ लेनी। चलो जी, चलो चलो चलो। तो जाना है जी इस प्लाजे में, इस प्लाजे में जाएंगे, इधर से मिल जाएगी मम्मा को। पिछली दफ़ा भी इधर से मिली थी, इधर इतनी दुकानें तो नहीं है उसमें जूतियों की, पर मिल जाएगी। कपड़े इधर के कपड़ों की रश काफ़ी होगा ये पता है, क्योंकि देखने से यहाँ से ही लग रहा है। तो इधर से मम्मा किधर से ढूंढ के निकाल के ले ही जाए। तो जूती तो ले ली मम्मा ने और रश देख सकते हैं कितना है, इस तरफ तो इतना नहीं, दूसरी तरफ ज़्यादा है। तो जूती वगैरह तो ले ली है मैंने, अपनी वेस्ट कोट वहाँ देखी पर पसंद कोई नहीं आई, मैंने कहा कैंसिल ही कर दूंगा। तो अब वापस घर जाते हैं, यहाँ से आगे से मटन लो के सीधा घर। ये नींद आ रही है अभी भी, काफ़ी नींद। तो जी नेक्स्ट डे, तो कल तो मेरी हिम्मत ही नहीं आई व्लॉग बनाने की, तो दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने को। मैंने कहा सुबह ही उठ के बनाएंगे। तो अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 1:35, दोपहर हो चुकी है। तो कल है जी ईद और आज है चांद रात। तो आप लोगों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। आज भी काफ़ी गर्मी है पर हवा चल रही, मुझे लग रहा है बारिश बताई भी हो। शॉपिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है, कोई चीज़ नहीं है। बिस्कुट का था, बिस्कुट तो मैं कोई नहीं ले रहा अभी फ़िलहाल के लिए, आज भी गर्मी काफ़ी है। तो बिस्कुट मुझे मिली भी नहीं सही वाली, मैंने ली भी नहीं, आया भी थी बहुत महंगी महंगी थी, 2500-3000 मैंने ली भी नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर नहीं ली, मैं भी कब से चाह रही थी। आज इनके आपको मैं दिखाता हूँ न्यू अच्छे बाहर निकले हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें हमारा नया कॉर्ड जो गाड़ी इधर से डाला था, यह कुंडी निकल गई थी यहाँ से, तो अब इधर डाल के सही से इसको किया है। ओके तो माशाल्लाह एक ये है और एक ये है, ये बैठा। बाकी अभी और भी हैं, वो भी आस्ता आस्ता निकलेंगे, पर वो इतने इतने बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, वो भी निकल आएंगे कुछ दिनों तक। तो अभी इनको शावर वगैरह देना है ताकि इनको गर्मी ना लगे ना। ये मैं ले के आया था कल लेके आया था, बोतल भर ली, अब इनको नहलाते हैं जाके। अब इनको एक एक करके यहाँ किसी खोले ये है बंद हो ना खोल, इसको बंद करने पहले कुंडी लगा देता हूँ। चलो खुलेगा, आज भी एक एक करके ये देखना है। दूसरा है कैसे करते हैं, ये देख चलो जी। कितने हो आ जाओ जी। नाते भी बड़े मजे थे, ये बड़े। तो दे तू दिया उनको, देते मेरी बस हो गई थी इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई, सारे इधर रखे हुए, क्योंकि सुबह ईद है तो मम्मा ने कहा सारे कपड़े शपड़े ला के इधर रख दो ताकि मैं इस्त्री करके और रख दूँ। तो वो जूतियाँ 2-3-4 और ये 1-2
और ये तीन ये कपड़े हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कंप्लीट। मेरी वेस्ट कोट मैं कह रहा था पर मैं वेस्ट कोट अभी नहीं ले रहा, लूँगा ही नहीं बल्कि अभी क्या नहीं ले रहा। तो दिल था पहले लेने को पर कोई पसंद ही नहीं है, जो पसंद भी आई है वो काफ़ी महंगी थी, तो मैंने कहा चले रहने दें कोई नहीं, वेस्ट कोट के बगैर पहन लेंगे। आज रोज़ा सिर्फ मेरा है, ना पापा का ना मम्मा का ना सिस्टर का, मेरा ही रोज़ा है आज। तो गर्मी क्योंकि काफ़ी तो तभी मम्मा रखी नहीं है, पापा की तो रात को तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उल्टी शुल्टी आ गई थी, उसकी वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा कल ही बनाएंगे आराम से। फेड़ियाँ ला के मम्मा बर्तन धो रही थी, धूप बहुत तेज़ है, हल्की हल्की आवाज आ रही है वो भी गर्म। गर्मी वगैरह भी मम्मा ने कर ली थी सुबह, बस थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी वो भी कर ली थी, और बस थोड़ा सा रह गया और चीज़ें वगैरह वो करनी है। और मम्मा कह रही थी मैं फर्श वगैरह धो के तो सारा कुछ करके, अभी मैंने दे के आना कुर्ता जो मैंने हल्का सा स्टिच कराना था उसको, ताकि जो साइड से खुला था बाजू से भी थोड़ा सा वो करवाना है, वो मेरे ख्याल से इसमें होगा, ये करवा के आते हैं। पर इसी ब्लॉग का तो इधर ही एंड करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, मुझे दिल भी नहीं कर रहा बनाने को ब्लॉग, मैंने कहा ईद भी बनाएंगे कल, ईद आराम से, ईद के बड़े मज़े के ब्लॉग होंगे वो आपने लाजमी देखने, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, क्या हो गया पैसे लगते हैं कुछ। तो ठीक है जी, अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड कर लेते हैं, पंखा बंद कर लूँ आवाज़ नहीं आएगी। ब्लॉग पसंद है मस्त लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। भाई के दुआ में लाजमी याद रखें, ईद के बहुत मज़े के ब्लॉग आएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ईद की शॉपिंग होगी, आपको टेंशन नहीं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।